गर्मी शुरू होते ही करसोग उपमंडल में पीने के पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं करसोग के मेन बाजार में बिछी पानी की टूटी पाइपों से लगभग चार महीनों से लगातार पानी सड़कों पर बह रहा है। आपको बता दें कि गुप्ता बुक सेंटर के बाहर व अन्य कई जगहों में पानी की पाइपें लीक हो रही हैं, जिस कारण सारा पानी सड़कों पर बह रहा है और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इसके बारे में कई बार विभाग के कर्मचारियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने विभाग से मांग की कि जल्द ही इन पाइपों को ठीक किया जाए ताकि लोगों को पीने का पानी सुचारू रूप से मिल सके। जी, मैं राकेश गुप्ता, गुप्ता बुक सेंटर का ओनर्स। मेरी दुकान के आगे ये पिछले लगभग चार महीने से इनकी पाइप जो है लीक है, और ये इसके लिए मैंने कई बार विभाग को जानकारी भी दी है। अब मुझे लगता नहीं है कि ये कभी ठीक हो पाएगी, क्योंकि हम थक चुके हैं कंप्लेंट कर करके। तो लोगों को पानी की समस्या है और ये जो है पानी सड़कों में बहा जा रहा है। अभी इसमें जो है ये जल शक्ति विभाग की पूर्ण तरह से लापरवाही मानी जा सकती है। यहाँ पर करसोग बाजार में जो पानी की पाइपें सड़कों के पास है वो फट चुकी है, और जिससे पानी बाहर निकल रहा है। यहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, और हमें पानी के लिए यहाँ से दूर जो नीचे शमशान घाट के पास एक पानी का स्रोत है वहाँ जाना पड़ता है, और वहाँ से पानी लेना पड़ता है, और उससे हमारा गुजारा हो रहा है आजकल। यानी खाना भी उससे बनाना पड़ता है, और पीने के लिए भी वही पानी है, यानी बार बार वहाँ जाना पड़ता है अगर मान लो भाई हमें पानी पीना है। और यहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर है, इसलिए हमारे विभाग से यही आग्रह है, मतलब उनसे यही गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन पाइपों को ठीक किया जाए, जिससे और हमारे को जो पानी की सुविधा जल्द से जल्द दी जाए, क्योंकि हमारी टंकी अभी भी आज भी खाली है, और यहाँ पे जो पानी है वो अभी भी बाहर बह रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे।